रोज घर में ओंकार और गायत्री का ध्यान सबको करना है, रोज प्राणायाम सबको, कपालभाति करते रहो और मेरी बात भी सुनते रहो। हमने यहां नियम आपको बताया, दूसरा क्या बताया था शब्द मैंने बहुत बड़ा, निर्णय, तीसरा क्या बताया था प्राथमिकता। तो हमारे जीवन में नियमों की सबसे बड़ी, ये नियम एक तो योग का, प्राणायाम का, ध्यान का, अपने जीवन के आदर्शों के, कुछ ये करना है ये नहीं करना है, ऐसे नियम बना रखे विधि निषेध आदि का। दूसरा कि यहां आचार्य कुलम में कुछ नियम नहीं बना के रखते आने जाने के, खाने पीने के, तो यहां भी कोरोना घुस जाता, कपाल भाती करो। नियमों की सबसे बड़ी भूमिका होती है हमारे जीवन में, नियम का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होता है, नियम का मतलब डिसिप्लिन भी होता है, देश भी एक नियम कानून से चलता है, सारे संसार की अलग चीजें हैं। खैर, तो नियम कानून कायदे कुछ भी शब्द बोले, नियम बोला था मैंने, प्राथमिकता बोला था मैंने, कपाल भाति करते रहो लगातार 5 मिनट करना है, ऐसा नियम बनाना है अपना। और मैं बोल रहा था भगवान की भक्ति भी क्यों करना, तो अलग अलग बातों को कह रहा हूं आपसे कि भगवान ने करोड़ों रुपए का शरीर दे रखा है, लीवर की, किडनी की, इंटेस्टाइन की, यूट्रस की, ओवरी की, प्रोस्टेट की, लंग की, हार्ट की, थायराइड की, ब्रेन की, आईज की, कानों की, आंखों की, हाथ की, एक एक अंगुलियों की, एक एक बॉडी के सेल की कीमत करोड़ों अरबों खरबों में है। शरीर में 37 जो ट्रिलियन सेल है, एक एक सेल की कीमत, क्योंकि बाहर नहीं बनता वो किसी फैक्ट्री में, और एक सेल के अंदर, एक सेल में 3 बिलियन बेस पेयर्स डीएनए के होते हैं। कितना जबरदस्त ये शरीर की रचना है। तो भगवान को शुक्रिया कहना भोर में उठ करके, प्रभो लाख लाख करोड़ करोड़ अनंत अनंत शुक्रिया, थैंक यू कि तूने मुझे ये मनुष्य का शरीर दिया, ये गॉड गिफ्ट है, ये किसी, ठीक है माँ के शरीर में पैदा होता है, माँ की कोख में ये हमारा शरीर बनता है, लेकिन इसको बनाने वाला वो भगवान है, इसलिए उसको शुक्रिया करना भोर में उठते ही ओंकार और गायत्री का ध्यान करके, फिर इसको संभाल के रखना, इसकी मेंटेनेंस करना। जैसे कोई इतनी अच्छी बिल्डिंग है आचार्य कुलम की, चारों ओर से दिख रही है, ये इतनी बढ़िया बिल्डिंग, आमने सामने, दाएं बाएं, आगे पीछे, चारों ओर, खाली आचार्य कुलम ही नहीं, पतंजलि योगपीठ पूरा, फिर पूरा आज आप PRI भी जाने वाले हैं, पदार्था भी जाने वाले हैं, कल की यात्रा कैसी रही? तो बहुत अच्छी रही, तो ताली तो बजाओ कम से कम, अपनी खुशी का इजहार करते हैं ना। तो आज आपकी यात्रा और अच्छी होने वाली है, और दुनिया, कुछ बच्चे आज देखेंगे, कुछ कल देखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा फूड पार्क, दुनिया का सबसे बड़ा फूड पार्क, वो पदार्थ आप देखने वाले हैं, दुनिया की सबसे बड़ी आयुर्वेद की फार्मेसी वो आप देखने वाले हैं, दुनिया का सबसे बड़ा आयुर्वेद का रिसर्च सेंटर वो आपने देखा है, कुछ और देखने वाले हैं, और ये सब भगवान ने हमको बनाने के लिए, ये कार्य करने के लिए निमित्त बनाया। वो संत कुटीर जहां रहते हैं वहां भी आपको हमने कहा, वहां भी एक बार देखा हो, नहीं तो आप जब यहां से पढ़ करके चले जाओगे, आपसे कोई पूछे जहां स्वामी जी रहते हैं वहां भी कभी गए थे। तो हमारे जीवन की सिद्धांत मैंने बताया था, वैयक्तिक जीवन में अपरिग्रह त्याग और सार्वजनिक जीवन में वैभव, सैक्रिफाइस इन इंडिविजुअल लाइफ एंड वेल्थ प्रॉस्पेरिटी इन सोशल लाइफ, दिस इज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ इंडियन कल्चर। तो ये बड़ी सिद्धांत कि स्वामी रामदेव जमीन पर सोता है, झोपड़ी में रहता है, और ये सारा आचार्य भाषण, ही साधु संत फकीर
जो एक लंगोटी धोती में रहते हैं, साधारण वस्त्रों में रहते हैं, लेकिन इस संसार में योग आयुर्वेद का, स्वदेशी का और वैदिक धर्म संस्कृति का सबसे बड़ा कार्य करने वाले, उनके जीवन के सिद्धांत क्या है, उनके जीवन के आदर्श क्या, उनके जीवन के नियम मर्यादाएं कैसी हैं, तो आपको सब कुछ देखने का सौभाग्य मिल रहा है। तो कपाल भाति भी करते रहो, और करते करते आज भगवान जी ने अवसर दे ही दिया। कल तो इतना तड़ातड़ बरसता रहा तो मुझे संत कुटीर में ही योग कराना पड़ा, सारा सेटअप चेंज करना पड़ा। फिर भी मैंने अपना योग करने का नियम छोड़ा, आंधी हो, बरसात हो, तूफान हो, क्योंकि हमारे आदर्श महर्षि दयानंद है, अपनी आंखों के सामने कुछ रोल मॉडल होने चाहिए ना। आज हम बात करने वाले हैं, अपने डायरी में लिखो, अभी तोर संभलना है, ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। ये भजन भी लिख लो, अपने घर में गाया करो कभी कभी। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। अभी आपके पास आने वाला हूँ और आपसे पूछने वाला हूँ, आपसे गवाने वाला हूँ। आंधी बरसात तूफानों से कभी नहीं बहकाए, लिखो, आप तो लिख ही नहीं रहे, आपको गाना भी आना चाहिए और आना भी चाहिए, लिखना भी आओ। आंधी वर्षा तूफानों से कभी नहीं बहकाए, आंधी वर्षा तूफानों से कभी नहीं बहकाए, जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाए, जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाए, प्राण भले ही जाए, प्राण भले ही जाए, सतपथ से न डगना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, ओ प्राण भले ही जाए, सतपथ से न टलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। आंधी वर्षा तूफानों में क्या बोला बच्चों, कभी नहीं भय, जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाए, आगे क्या, प्राण भले ही जाए, सतपथ से न डगना, प्राण से भी ज्यादा हमारे सत्य है, सत्यमेव जयते, इसलिए भारतीय संस्कृति का और हमारे देश के संविधान का सबसे बड़ा नियम, सबसे बड़ा उसका उच्च आदर्श क्या है, सत्यमेव, प्राण भले ही जाए, सतपथ से ना डगना। जला रहे जो ऊंच नीच और भेदभाव की ज्वाला, जला रहे जो ऊंच नीच और भेदभाव की, आपको इसका हिस्सा नहीं बनना है, जात पात अलग अलग, भेदभाव ऊंच नीच इस सब में नहीं पढ़ना। जला रहे जो ऊंच नीच और भेदभाव की ज्वाला, जला रहे जो ऊंच नीच और भेदभाव की ज्वाला, अमृत के बदले जो दे रहे हमें जहर का प्याला, अमृत के बदले जो दे रहे हमें जहर का प्याला, टल न सके संकल्प यही, टल न सके संकल्प यही, अन्याय न सहना है, अभी तो और संभलना है, तो ये अन्याय है, इनजस्टिस है, जो
भेदभाव, पक्षपात, अन्याय, शोषण हो रहा है ना समाज में, ये इनजस्टिस, इसके खिलाफ हमें जीवन में बहुत बड़ा काम करना है। चलो लास्ट अंतरा सुनाते हैं, फिर आपके पास आएंगे, आपसे गवाएंगे कौन गाता है। जहां हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल पुराना, जमा हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल पुराना, हो जमा हुआ मुद्दत से अज्ञान, अंधकार, ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास, कितना समाज के अंदर चारों ओर अंधेरा है। जमा हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल पुराना, पाखंडों के फंदों से है उनको हमें बचाना, पाखंडों के फंदों से है उनको हमें बचाना, भूले भटके फिरे जहां में हो, भूले भटके फिरे जहां में, राह दिखाना है अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो चलो गाओ आप भी। ओ भूले भटके फिरे जहां में, भूले भटके फिरे जहां में, राह दिखाना है अभी तो और संभलना, सब गाओ, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, स्वामी दयानंद के सपनों को, ऋषि दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, स्वामी दयानंद के सपनों को, ऋषि दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है, अभी तो और संभलना 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 है। बोले महर्षि दयानंद की जय, भारत माता की, सभी महापुरुषों की। तो अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसे आदर्श रखने हैं, तो एक शब्द लिखो अपनी डायरी में, फिर विस्तार आप लिखते रहना। आदर्श, आइकॉन, रोल मॉडल, हमेशा भोर में उठते ही अपने आंखों के सामने कुछ आदर्श रहना चाहिए, नहीं तो जीवन ऐसे अंधेरे में इधर उधर लुढ़कता रहता है, हम भटकते रहते हैं, इधर उधर डावाडोल होते रहते हैं। वे कभी भी डावाडोल नहीं होंगे, वे बहकावे में नहीं आएंगे जिनके आंखों के सामने कोई बड़ा आदर्श होगा। तो एक शब्द लिखो, आदर्श, रोल मॉडल, आइकॉन। तो अपने आंखों के सामने महर्षि दयानंद का, अपने आंखों के सामने भगवान राम का, भगवती माता सीता का, अपने आंखों के सामने भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का, अपने आंखों के सामने चंद्रशेखर राजगुरु, सुखदेव भगत सिंह का, रानी लक्ष्मीबाई का, चेनम्मा का, अल्लूरी सीताराम राजू का, महाराणा प्रताप का, छत्रपति शिवा का, कितने बड़े बड़े आदर्श हैं, रोल मॉडल हैं हमारे सामने। तो ये रोल मॉडल नहीं है जो आजकल बन गए हैं सो कॉल्ड, ऐसे अपने आंखों के सामने अपने महापुरुषों के रोल मॉडल रखना, आदर्श। क्या लिखा शब्द आपने? आदर्श। और उसी को ही मैंने अंग्रेजी में क्या बोला? रोल मॉडल और आइकॉन। ये अपने आइकॉन अपने वाले चुनना, ये इधर उधर वाले बकवास मत चुनना। दूसरा शब्द लिखो, एक प्रतीक, एक शब्द है आगे लिखो, प्रतीक। कुछ देशों में तो प्रतीक बहुत छोटे छोटे से हैं, उनको उनके यहां तो रोल मॉडल्स का, आइकॉन्स का भी टोटा है और प्रतीकों का भी टोटा है। दूसरा क्या शब्द बोला मैंने? दूसरा प्रतीक, ये प्रतीक भी बहुत बड़ा है। तो हमारे सामने से सुबह से शाम तक हमारे सामने कितने प्रतीक आते हैं अच्छे अच्छे। हमारा जनेऊ क्या है? हमारे त्रयी विद्या का प्रतीक है, आर्य संस्कृति का, ऋषि संस्कृति का, वैदिक संस्कृति का प्रतीक है। जैसे हमारे ईसाई भाइयों के लिए जो क्रॉस का चिन्ह पहनते हैं वो किसका प्रतीक है? उनका क्रिश्चियनिटी का प्रतीक है। हमारे मुस्लिम भाई सिर पर क्या ओढ़ते हैं? टोपी। वो किसका प्रतीक है?
इस्लाम का प्रतीक है, और हमारे सिख भाई क्या पहनते हैं, सिर्फ अलग अलग उनके प्रतीक है। हमारे यहाँ तो कितने प्रतीक है, माथे पर तिलक लगाने से लेकर के जो है जो शादी ब्याह के बाद बेटियां अपने माथे पर सुहाग टीका लगाती, उससे लेकर के हमारे यहाँ तो प्रतीकों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। सब हमारी बहनें बाल रखती हैं, सिर पर केश रखती हैं, वो भी उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा प्रतीक है। हम अपनी चोटी रखते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा प्रतीक है। इन पर गौरव होना चाहिए बच्चों, ये बात छोटी छोटी है, लेकिन जो है पहले अपने पुरखों ने सिर कटा दिया, इस तरह के जुल्म जाते हुए बीच में मुगल बादशाहों के समय सिर कटा दिया, लेकिन चोटी नहीं कटने दी, जनेऊ नहीं कटने दिया। जोरावर फतेह सिंह ऐसे छोटे छोटे बच्चों की कहानी आपने सुनी होगी, दीवारों में चिन दिया उनको जिंदा, लेकिन उन्होंने कहा हम अपने धर्म से नहीं डिगेंगे। ऐसे आपने कितने बंदा बैरागी से लेकर के और तमाम अपने पूर्वजों के बड़े बड़े प्रेरक कहानियां आपने खूब पढ़ी हुई हैं। तो अपनी चोटी का, जनेऊ का, योग का, यज्ञ का, अपने सुबह उठ करके माता पिता का को प्रणाम करना एक प्रतीक है। आपको पता है दुनिया में ईसाई लोग माता पिता को प्रणाम नहीं करते जैसे हम लोग करते हैं, ये मुसलमान लोग तो बोले सिर तो झुकाना ही नहीं कहीं पर भी, बोले ये तो खाली एक मस्जिद में ही झुकेगा, और उस मस्जिद में क्यों झुकेगा, बोलो खुदा के सामने। अरे खुदा तो सभी जगह, तो फिर कहीं भी झुका लो, लेकिन उन्होंने भी अपने प्रतीक बना रखे कि एक खुदा के अलावा कहीं सिर नहीं झुकेगा। हम सर भी झुकाते, माता पिता के चरणों में भी सिर झुकाते, गुरु के चरणों में भी शीश झुकाते हैं। तो खैर प्रतीक है हमारे यहाँ तो सुबह से शाम तक, कई संबंधों के भी प्रतीक है, प्रणाम के भी प्रतीक है, हमारे धर्म संस्कृति के भी प्रतीक है। इन सारे प्रतीकों के प्रति गौरव का भाव रखना, तो ये दूसरा सत्य कहा।